शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर बनने के लिए जिले कलेक्टर ने एक नई पहल की है। इसके लिए 26 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। सूरजपुर जिले के कलेक्टर रोहित व्यास ने अभिभावकों को लेटर के माध्यम से संदेश भेजकर शाला उत्सव में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने अभिभावकों से शाला उत्सव में शामिल होकर बच्चों की पढ़ाई के साथ शिक्षा में और क्या बेहतर किया जा सकता है इसके लिए सुझाव मांगा है, जिससे बच्चे रोज स्कूल आएं और आगे चलकर एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति बन सके। वहीं जिले के कलेक्टर ने बताया कि इस बार हमारे जिले के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट प्रदेश के अंडर 10 में रहा। इसके लिए हम समर कोचिंग के नाम से क्लास चलाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अच्छी पढ़ाई हो इसके लिए सभी टीचर स्कूल समय पर पहुंचे और बच्चों का ध्यान रखा जाए। 26 तारीख से संभवतः शाला प्रवेश उत्सव होगा और हमारे सभी जो विद्यालय हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे। और मेरा सभी अभिभावकों से पालकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें। हम लोग जिला स्तर से सभी हमारे जो जिला के अधिकारी हैं, जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, उन सभी को हम लोग नोडल अधिकारी बना रहे हैं हर एक 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 ग्राम पंचायत के लिए। वो सभी हमारे अधिकारी जो हैं वो अलग अलग ग्राम पंचायतों में अलग अलग विद्यालयों में जाएंगे, शाला प्रवेश उत्सव में पार्टिसिपेट करेंगे। पालकों से भी मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास सुझाव है कि कैसे हम बच्चों को और अच्छे से इंगेज कर सकते हैं ताकि शालाओं में उनकी उपस्थिति 100% सुनिश्चित की जा सके, तो वो हमको अपने सुझाव भेज सकते हैं। इस बार हम जिला प्रशासन का पूरा ये प्रयास रहेगा कि 100% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। रिजल्ट में भी हम लोगों ने टारगेट किया है कि राज्य में हम टॉप 10 जिलों में शामिल होंगे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के मामले में। उसके लिए भी हम लोग एक समर सूरजपुर करके एक अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें जितने भी हमारे शालाएं हैं, स्पेशली 10वीं और 12वीं के जो हमारे बच्चे हैं और वहाँ के जो शिक्षक हैं, उन सभी के लिए हम प्रशिक्षण आयोजित करेंगे, मंथली टेस्ट लेंगे और जो एग्ज़ाम के टाइम पे स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे। सभी पालकों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और सुनिश्चित करें कि 100% उपस्थिति हो सके। एक तो हमने इसमें जो हमारे जितने भी CACs हैं, क्लस्टर एरिया कोऑर्डिनेटर्स हैं, शिक्षा विभाग के जितने हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका हम लोग रोस्टर बना के रेंडमली चेक कराएंगे विद्यालयों में कि शिक्षकों की उपस्थिति सबसे पहले सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हर 15 दिन में जो शिक्षक हैं वो सूची निकालेंगे कि कौन से बच्चों की उपस्थिति कम है, अटेंडेंस कम है, और जो शिक्षक हैं वो सीधे पालकों से जाके बात करेंगे और कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि बच्चों की उपस्थिति कम क्यों है। हर मंथ हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे और जो टेस्ट की कॉपी है वो दूसरे विद्यालय में